हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। अक्सर कचौड़ी हम घर में बनाते रहते हैं। आलू की कचौड़ी सभी को पसंद आती है, लेकिन कचौड़ी को हम अलग अलग स्टफिंग के साथ बना सकते हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ चना दाल की कचौड़ी की रेसिपी। चना दाल कचौड़ी का आटा बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूँ का आटा 1 कप, दही 1 बड़ा चम्मच, घी 1 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और पानी आटा गूंथने के लिए। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए उबली हुई चना दाल 1 कप, फ्रेश धनिया 2 बड़े चम्मच, जीरा 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और तेल 1 चम्मच, और तेल कचौड़ी को डीप फ्राई करने के लिए। चना दाल की स्टफ कचौड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप उबली हुई चना दाल। चना दाल उबालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि ये मैश ना हो पाए। यहाँ पर चना दाल को भिगोने के बाद इसे 2 सीटियाँ लगाकर उबाला है प्रेशर कुकर में, तो ये साबुत दिखता है। सबसे पहले हम कचौड़ी का आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम आटे में मिलाते हैं 1 चम्मच दही, 1 चम्मच घी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक मिला लेते हैं, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम आटे को सॉफ्ट गूंथ लेते हैं। ये आटा गूंथने लगा है। अब इसे हम थोड़ा सा पानी ऊपर से लगाकर 10 मिनट के लिए एक तरफ रख देते हैं। उबले हुए चना दाल को हम हल्का हल्का मैश कर लेते हैं। अब हम चना दाल की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें कढ़ाई में 1 चम्मच तेल को मीडियम गरम कर लेते हैं। तेल के गरम हो जाने पर हम इसमें डालते हैं मसाले, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, सूखी हुई लाल मिर्च का पाउडर, और अब हम इसमें डालते हैं चना दाल। इसे अच्छी तरह से हम स्टर कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं हरा धनिया और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेते हैं और चना दाल को हम 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। इसे हम बीच बीच में स्टर करते रहते हैं। अब हम चना दाल को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। आटे के हम छोटे पोर्शंस कर लेते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए हम आटे का एक पोर्शन लेते हैं। इसे हम हल्के हाथ से रोल कर लेंगे और अब हम इस पर चना दाल की स्टफिंग रख लेते हैं। स्टफिंग को हम आटे में अच्छी तरह से सील कर लेते हैं, जिससे कि चना दाल तलने पर बाहर ना निकले, और अब हल्का सा तेल लगाकर इसे हम फिर से रोल कर लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी सारे आटे की भी कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम मीडियम लो फ्लेम्स पर कचौड़ियों को डीप फ्राई कर लेते हैं। कचौड़ियां फ्राई करते वक्त हमें फ्लेम्स को लो या लो मीडियम ही रखना चाहिए। इससे कचौड़ियां क्रिस्प बनती हैं। एकदम तेज आग पर अगर हम कचौड़ियों को सेकते हैं तो वो उतनी क्रिस्प नहीं हो पाती हैं। कचौड़ियां जब गोल्डन ब्राउन होने लगती हैं तो उन्हें निकाल कर हम एक तरफ रख लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी आटे की भी चना दाल की कचौड़ियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब चना दाल कचौड़ी बिल्कुल तैयार है। इसे हम अपनी पसंद की चटनी या चाय के साथ में सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी चना दाल कचौड़ी बनाने की इजी रेसिपी। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लीव अ थम्स अप, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक्स अ लॉट।